इन दिनों सोशल मीडिया पर एक खबर ने काफी तहलका मचाया हुआ है और ये खबर कुछ और नहीं बल्कि ऐश्वर्या राय बच्चन और बच्चन परिवार के बीच आई हुई दूरियां हैं। किसी के कहने ये हैं कि ऐश्वर्या राय बच्चन अब अपने परिवार से दूर हो चुकी हैं, वो उनके ताने सुन परेशान हो चुकी हैं और अब वो उनके साथ हर एक रिश्ते को खत्म कर देना चाहती है, अपनी बेटी आराध्या के साथ अपनी मोम के यहाँ ही रहना चाहती है। लेकिन दोस्तों इसी के साथ कुछ वजह ये भी बताई जा रही है कि ऐश्वर्या राय बच्चन अब दोबारा प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही है। इस वजह से बच्चन परिवार और उनके बीच दूरियां आने लगी हैं। उनकी प्रेगनेंसी को लेकर पहले भी खूब खबरें थी कि या तो उनका बच्चा अबॉर्ट हो चुका है या फिर मिसकैरेज हो चुका है। कई सारे रीजन बताए जा रहे थे उनकी सेकंड प्रेगनेंसी को लेकर। तो वहीं किसी का कहना ये भी था कि ऐश्वर्या राय बच्चन अभी अपने सेकंड चाइल्ड के लिए तैयार नहीं है और इसीलिए वो प्रेगनेंसी नहीं चाहती। लेकिन इन्हीं सब के चलते कई सारे सवाल हैं कि क्या दूसरा बच्चा ना होने की वजह से या फिर दूसरे बच्चे के लिए तैयार ना होने की वजह से ऐश्वर्या राय और बच्चन परिवार के बीच इतनी दूरियां आ चुकी हैं। लेकिन दोस्तों ऐश्वर्या राय बच्चन और जया बच्चन इन दोनों की पहले भी नहीं बनती थी और अब तो जैसे खबरों ने खूब सुर्खियां पकड़ी हुई है कि अमिताभ बच्चन के साथ भी ऐश्वर्या की कुछ खास बन नहीं रही है। उन दोनों ने ही एक दूसरे को अनफॉलो भी कर दिया है उन सोशल मीडिया। लेकिन अब असली वजह क्या है ये तो बच्चन परिवार को ही बखूबी पता होगा, ये सब सिर्फ कयास है। पर अब इन सब के बीच देखा जाए तो अभिषेक बच्चन पर मुसीबतें आन पड़ी है। या तो वो अपनी पत्नी का साथ दे, ऐश्वर्या राय बच्चन का साथ दे, या फिर वो अपने परिवार का साथ दे। अब जाने इन सभी रिश्तों के अंजाम क्या होंगे। लेकिन दोस्तों आप कमेंट सेशन में हमें जरूर बताइएगा कि इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, क्या आपको भी इन खबरों में सच्चाई लगती है या फिर नहीं। और इसी तरह से बने रहिएगा हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।